सो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ न्यू फ्रॉम फॉर महाशिवरात्रि स्पेशल एडिटिंग, जिसमें आप अपने नेम से कुछ इस तरह की यूनिक इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी जस्ट वन टैप में। इवन आप चाहो तो इसमें इन इमेजेस पे अपना फेस स्वैप कर खुद की कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो फेस ए टूल की हेल्प से, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। और जैसे यहाँ पर बॉय के लिए इमेज जनरेट करा है, वैसे आप गर्ल्स के कैरेक्टर एंड नेम से इजिली इमेजेस कैसे जनरेट करा सकते हो वो आज की छोटी इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। एंड आज की एडिटिंग प्रॉम्प्ट कैसे एंड कहाँ से मिलेगी वो भी इस वीडियो पे बता दिया हूँ, तो इसलिए बिना स्किप करे आज की समझिंग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना। तो मैं मेरा एज जनरेटर टूल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कैसे है ना, आपको मैं बाद में बता दूंगा, आप पहले देख लो। यहाँ पे जो मेरा नाम लिखा दीपक, उसे आपको हटाकर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नवीन लिखा, और जिसमें मैं नाम लिख रहा हूँ जो कि एक प्रॉम्प्ट लिखा गया है, उसे आप कैसे कॉपी कर सकते हो वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ नेम लिख के क्रिएट को प्रेस करते ही यहाँ पे क्रिएटिंग होगी, एंड यहाँ पे कुछ सेकंड लोड लेगी, 4 से 5 सेकंड के अंदर आपको अपने नेम की इमेज जनरेट करके दे देगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज जनरेट होके आ गई है, बट यहाँ पे जो नेम है वो अच्छे से जनरेट नहीं हो पाई है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फिर से क्रिएट बटन को प्रेस करके जनरेट करा सकते हो, बट मैं ऐसे अपने नेम से इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ नेम को चेंज करके क्रिएट को प्रेस करा, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे दीपक नेम से इमेज जनरेट हो गया है। एंड जो इमेज आपको यहाँ पे सही लगती है 4 फोटो में से, उस फोटो को आपको सेव कर लेना है, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि जो रेड कलर हुडी आ रही है, मतलब कपड़े के कलर को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे रेड लिखा हुआ देखने को मिलेगा, उसे आपको रेड को हटाकर येलो लिखना है, और यहाँ पे नेम को भी चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आना लिखा, एंड यहाँ पे क्रिएट बटन को प्रेस करा, क्रिएटिंग हो रही है। कुछ सेकंड बाद यहाँ पे इमेज जनरेट होके आ जाएगी। सो आप देख तो आनंद नेम से भी इमेज जनरेट हो गया है, यहाँ पे ये वाली इमेज बहुत सही लग रही है। तो यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ, जो भी नेम अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ मैं ट्राई करूंगा क्रिसु नेम से इमेज जनरेट करने की। तो यहाँ पे मैंने नेम को चेंज करा क्रिएट बटन को प्रेस करके, एंड यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है, एंड देखेंगे इसमें कैसे इमेज जनरेट होकर आएगी। तो यहाँ पे येलो कलर हुडी में आप यहाँ देख सकते हो इमेज जनरेट होके आ चुकी है। येलो की जगह पे अगर हम यहाँ पे ब्लैक लिखे तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो गया आएगी या नहीं, ये चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक लिखा और क्रिएट बटन को प्रेस कर दिया, एंड देखेंगे इसमें कैसे इमेज जनरेट हो गया आ रही है। सो नाउ देख सकते हो ब्लैक कलर हुडी में भी बहुत सही लग रही है, एंड नेम भी परफेक्टली यहाँ पे आई है, तो इसलिए मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ इमेजेस को। एंड जैसे हम बॉय के लिए हम इमेज जनरेट कराए हैं, वैसे अगर हम गर्ल्स के लिए इमेज जनरेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट दिया है। मैं आपको बताऊंगा ये वाली ब्लॉक पे कैसे आना है। इस ब्लॉक के अंदर ही आपको दोनों प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, विद ए जनरेटर टूल के साथ। तो यहाँ पे गर्ल्स का जो प्रॉम्प्ट है, फोटो के नीचे क्लिक हियर टू कॉपी को प्रेस करना, प्रॉम्प्ट कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगी। बस आपको यहाँ पे गर्ल का नेम को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नेहा लिखा है, उसे हटाकर मैं अगर दूसरा नेम लिख दूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने निशा लिखा, एंड क्रिएट बटन को प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखेंगे गर्ल्स के लिए कैसे इमेज जनरेट होके आ रही है। सो नाउ देख सकते हो गर्ल्स के लिए भी इमेज जनरेट होके आ गई है, और ये भी बहुत ही अमेजिंग इमेजेस जनरेट करके दे रही है शिव जी के साथ, जो कि देखने में भी बहुत सही लग रही है। एंड यहाँ पर भी मैं गर्ल्स का नेम को चेंज करके यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। जैसे कि हमने निशा लिख रखा था, उसे हटाकर पूजा लिखा, उससे पहले मैंने पिंक की जगह पे रेड लिखा, मतलब जो कि हुडी की कलर है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड देखेंगे रेड कलर हुडी में गर्ल्स के लिए कैसे इमेज जनरेट हो जाती है। सो नाउ देख सकते हो यहाँ पे पूजा नेम से इमेज जनरेट हो गई है, और ये भी बहुत ही परफेक्टली आई है, आई मीन विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे भी आपको सेव कर लेना जो आपको इमेज सही लग रही है। तो इस तरीके से आप गर्ल्स के लिए इमेज जनरेट करा सकते हो। चलिए आपको बताता हूँ ये साइट कौन सा है जिसमें हम इमेज जनरेट कर रहे हैं, एंड जिस साइट पे आपको प्रॉम्प्ट भी मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको कोई सा भी ब्राउजर को ओपन करके गूगल पे सर्च करना है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना एडिट लिखना, सेम लिख के आपको सर्च कर देना है, फर्स्ट वाली साइट को ओपन करना है। देन इस मेन्यू बटन को प्रेस करके फोटो एडिटिंग को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी महाशिवरात्रि स्पेशल प्रॉम्प्ट। यहाँ पे जाके इसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट ले लेना, बट अगर आपको यहाँ पे ये इमेज देखने को नहीं मिलती तो आप यहाँ सर्च पे जाके महाशिवरात्रि स्पेशल प्रॉम्प्ट लिख दो और सर्च कर दो। यहाँ पे आपको 100% देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको ओपन करके स्क्रॉल अप करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट बॉय लिखा है एंड सेकंड गर्ल्स। तो यहीं से हमने प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली एज जनरेटर टूल पे लेके गया था। यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो, बट इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली नीचे में जो बटन है क्लिक हियर टू कॉपी बटन प्रेस, इसमें प्रॉम्प्ट कॉपी भी हो जाएगी एंड डायरेक्टली आपको एज जनरेटर टूल पे ले जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे नेम चेंज करके क्रिएट बटन को प्रेस कर देना है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप इस एज जनरेटर टूल पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन कर ले, जैसे कि यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास आईडी था, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन करके आ चुका हूँ। अगर आपके पास आईडी नहीं है, या फिर आप पहले बार इस एज जनरेटर टूल पे आ रहे हो, तो सिंपली आपको आईडी बना लेना है। आईडी कैसे बना लेना, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को टैप करके इजिली सीख सकते हो कि आईडी आपको कैसे क्रिएट करनी है। और हाँ, मैंने फेस स्वैप की बात करा था, अगर आप फेस स्वैप भी करना सीखना चाहते हो इन इमेजेस पे अपना फोटो डालकर, तो उसी ब्लॉग के नीचे आपको लास्ट में ये टूल का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रेस करोगे वो आपको टूल पे ले जाएगा। सिंपली आपको उस इमेज को ऐड कर लेना जिस कैरेक्टर पे रिप्लेस करना चाहते हो अपने फेस को, एंड नीचे में अपना फोटो डाल लेना ओरिजिनल वाले, ठीक है, मतलब आपका फेस अच्छे से दिख रहा हो, देन आपकी इमेज भी स्वैप होके आ जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो से प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।